नमस्कार मुंबई मैं हूँ अर्जुन कपूर और हम खेल रहे कौन बनेगा परिणीति का पति <laughs> आपके पास कोई हेल्पलाइन नहीं है सिर्फ फ्लैश लाइन है और फ्लैश जैसे कि मुझे पता है थोड़ा प्रॉब्लम में चल रहा है इस वक्त तो हम आगे बढ़ते हैं परिणीति कैसा लग रहा है मेरे साथ स्टेज शेयर करके तुम्हें सदमे में हूँ वो दिख रहा है की मैं फिर से आ गई तुम्हारे सौभाग्य मतलब की तुम मेरे साथ फाइनली इस पैगाम पे आई हूँ साइलेंस प्लीज टॉम एंड जेरी ठीक कहा था ना मैंने तालियों के साथ स्वागत अर्जुन कपूर और परनीति चोपड़ा का नहीं बट सीरियसली थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑल जोक्स अपार्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि हम आते हैं मस्ती मजा करते हैं कुछ कुछ चीजें ऐसी बातें होती है नोकझोंक होती है लेकिन जिन विषयों पे आज बात करने का मौका मिलेगा जब हमारी फिल्में लगती है

परिणीति के ना फिर बहुत जरूरी है। जुगल आप दोनों की, जी। इशक जादे से, ये फिल्म. जी। मैं की इस जुगल से सफाई गिरी पर पहुंचना चाह रही थी कि सरकार और आम नागरिक को भी जुगलबंदी के साथ काम करना होगा तो ये केमिस्ट्री कैसे बिठाई जाए जनता और सरकार <laughs> के बीच में कि सफाई की जा सके की जा सके केमिस्ट्री का राज पूछ रही हूँ मैं सिंपल में आई hmm. थिंक पहले तो यू टू स्टॉप पॉइंटिंग फिंगर्स अगर आप हर बार ये बोलोगे की ये, ये हमारे लिए क्या कर रहे ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं अगर आप शुरुआत करोगे कि हम क्या कर सकते हैं सो इट्स लाइक फाइंडिंग इन योर पार्टनर और द द पर्सन यू वर्किंग फर्स्ट हैव टू टू ब्रिंग समथिंग टेबल इसके पहले कि आप कुछ ला रहे हैं आप अगर बोलेंगे इन्होंने हमारे लिए क्या किया ये क्या करेगी मेरे लिए इन um, आजकल क्या होगा ना हिंदुस्तान में यही है कि हम बस चर्चा करते हैं और हम लोगों को ब्लेम कर देते हैं और फिर हम घर जाके एग्जैक्टली exactly वही करते हैं जो जिसके लिए हम लोगों को ब्लेम करते हैं सो यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट यू हैव टू फाइंड अपने अंदर भी कुछ चीज़ें ढूंढनी पड़ती है बतौर uh, एक्टर हम भी जब किसी के साथ ट्यूनिंग बनाते हैं ऐसा नहीं कि हम सोच के आते हैं कि यार इसको क्या आता है वी गिव इट एन ओपन चांस तो वो जुगलबंदी बनाने के लिए ओपन माइंड रखना पड़ता है टाइम लगता है uh, और जेन्यूनली एक चाहत होनी चाहिए कि कुछ अच्छा करें अगर आप नेगेटिविटी के साथ घुसोगे ये मान के कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती तो बतौर एक आम आदमी भी आप कॉन्ट्रीब्यूट करने का मन भी नहीं करेगा और और आपका और आपका इंटेंट नजरिया ही गलत आता है ये मानता हूँ आई थिंक जुगलबंदी का मतलब ही होता है पार्टनरशिप राइट एंड पार्टनरशिप में सबसे जरूरी चीज़ ये होती है कि um, एक टीम में या एक आदमी में जो कमी है वो दूसरा पूरे करे और इसमें जो कमी है वो दूसरी पर तो आई थिंक जैसे आप कह रहे हैं गवर्नमेंट एंड द पीपल जो लोग हम लोग एज सिटीजन नहीं कर सकते उसी के लिए गवर्नमेंट है और जो चीज़ गवर्नमेंट जिस चीज़ से स्ट्रगल um, कर रही है वो हम उन्हें हेल्प करें तो सफाईगिरी वो एक चीज़ है हम अपना देश खुद साफ़ रखने में गवर्नमेंट mm. को हेल्प करते हैं और जो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज mm. है वो हमें बेनिफिट करेगा तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि गवर्नमेंट और हम एक टीम है

कमिंग बैक आफ्टर सिक्स ईयर्स वर्किंग ऑन अ फिल्म लाइक नमस्ते इंग्लैंड जहाँ पे हम एक दूसरे से नफरत नहीं करते बल्कि प्यार करते एक शादीशुदा कपिल का रोल निभा रहे वी अग्री टू डिस अग्री ऑन सर्टन फैसेट्स इन द फिल्म और आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी कुछ ऐसे ही है uh, जब यंग कपिल शादी करते इसका मतलब ये नहीं कि दे बिकम सबमिसिव एंड hmm. समवेयर uh, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ आज की जो देश की आवाम है जो यूथ है uh, वो भी ऐसे ही है वी uh, वी आर ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज बिकॉज वी बिलीव इन द चेंज वी वॉन्ट टू बी पार्ट द चेंज जो आप जुगलबंदी कह रही थी मैं ये मानता हूं कि आज की पीढ़ी जो शुरू करेगी जब हम ये सब चर्चा करेंगे उसका मुझे लगता है फल हमें आठ दस पंद्रह साल बाद देखने मिलेगा बिकॉज जो बातें हमने 3 4 साल पहले शुरू की थी उसका अभी नजरिया बदलते अब दिख रहा है लोगों को लाइक जेन्यूनली जो बाथरूम की प्रॉब्लम इतने सालों से डिस्कस हो रही थी उसका आज कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ रहा है प्लास्टिक की जो चर्चा हो रही है वो अब जाके समझ आ रही है

तुम तेरे, तुम तेरे तुम लिए गाओ चलो गाओ चलो <laughs> चुपचाप तो हमारी फिल्म में एक लव सॉन्ग है तेरे लिए जो मैंने बाबा को उसके लिए नहीं गाया ये

तो एक्चुअली वो ही गाना हमने आज एक छोटा सा टीजर बस आधे घंटे पहले रिलीज किया है क्योंकि हमारी फिल्म में प्रॉपर पटोला बादशाह और दिलजीत और आस्था गिल ने फिर से रिक्रिएट किया है हमारे लिए सो एक्चुअली मेरा मूड हो रहा है पटोला गाती के चलो मैं कौन होता हूँ तुम्हें ना बोलने वाला जब लोग उठ के बाहर जाना चालू हो जाएंगे तुम खुद समझ जाओगे सो प्रॉपर पटोला नखराए सैग सूट पटियाला शाही चुन्नी तेरी ब्लैक आ मुंडे हो के पर दे तक तक के नचा जद हाथ में लग ते रख के प्रॉपर पटोला ये जो पीछे म्यूजिक था ऐसा लगा कि मैं भजन गा रही ऐसी खुशी मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की क्या हुआ आपको मैंने आज you तक know? ये खुशी महसूस नहीं की जो <laughs> इस आदमी ने तीस सेकंड में महसूस कर ली ना

<laughs> खाना हाँ, इस हाँ। समोसे की बात तो खाना याद <laughs> समोसा और सैंडविच याद आ गया आपसे हाल में एक, वो, एक बार पटोला पे बात हो जाए वो क्या ट्वीट किया था आपने पटोला जैसे कि परिणीति ने आप सबको गाना गा के सुना और बताया दलजीत और बादशाह का पुराना गाना जो हमने रीडू किया तो परिणीति मेरी जिंदगी में पटोला बन के आई पटोला का मतलब जानते हैं आप में से कोई पटोला का मतलब जानता है चलो पंजाबी कितने लोग हैं यार यहाँ पे हेलो बोलो तो पटोला का मतलब एक्चुअली होता है सोनी कुड़ी यानी कि ब्यूटीफुल गर्ल सो इट्स अ इट्स अ वेरी कूल स्लैंग फॉर कि पटोला लग रही है या पटोला लग रही इट्स अ वे ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग बट इन अ यंग कूल एटीट्यूड वे तो परिणीति के मैं तारीफ बहुत मुश्किल से करता हूं जब पैसे मिलते तभी करता हूं uh, तो फिल्म पे, में पेट ट्वीट था नहीं वो ट्वीट पेड नहीं था ना फिल्म के पैसे मिले थे आ, तो फिर उसका एक वो था कि चलो मैंने आज तारीफ कर दी इट्स अ वेरी बिग डे कि आज मैंने परिणीति की तारीफ सोशल मीडिया पे की है आपको उसे फ्रेम करना चाहिए और परिणीति को भेज देना चाहिए आपने क्या रिस्पॉन्ड किया उस पर परिणति वो अभी तक शॉक में और आप इनको बाबा क्यों कहती है बाबा ओ आओ बताओ जरा सबको मैं ही सब बताऊंगा तो लोग बोलेंगे कि तुम्हें Um, बाबा मैं आई नो हम लोग जब पहली फिल्म कर रहे थे जो इशक जादे थी course, तो uh, क्योंकि हम लोग दोनों नए थे तो हमें बहुत एक हीरो हीरोइन का दर्जा ऐसे मजाक में बोला जाता था कि अरे बाबा आ गए बेबी आ गई you know? बेबी के लिए जूस लाओ हाँ बेबी के लिए जूस लाओ बेबी के लिए छाता लाओ तो हम लोग ऐसे मजाक मजाक में हमने शुरू किया वो बेबी निकल गया बाबा रह गया हाँ तुम पटोला बन गई उसके बाद बट बट नो हिंदी फिल्म कल्चर में होता है ना कि uh, हीरोइन की माँ थी। अरे बेबी के लिए छाता लाओ बेबी को गर्मी लग जाएगी स्किन खराब हो जाएगी अरे बेबी को जूस पिलाओ उन्होंने सुबह से नाश्ता नहीं किया जिम से वर्कआउट करके आई है तो मैं वैसे उसका मजाक उड़ाता था तो वो भी मेरा मजाक उड़ा रही थी